हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे लैंथेनाइड्स के बारे में कुछ जनरल और इम्पॉर्टेंट बातें, साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका और उन्हें याद रखने की एक शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक। लैंथेनाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से सवाल बहुत आते हैं, ख़ासतौर पर CSIR का जो नेट एग्जामिनेशन होता है उसमें भी एक से दो सवाल तक इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से मेंबर्स लेंथेनॉइड में आते हैं। तो लेंथेनॉइड शुरू होते हैं लेंथेनम से, और उसके बाद दूसरा जो मेंबर होता है इनका वो होता है सीरियम, जिसे हम CE से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथेनम को हम LA से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही प्रेसियोडाइमियम, इसको हम PR से रिप्रेजेंट करते हैं। नियोडाइमियम को हम ND से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोमेथियम को हम PM से रिप्रेजेंट करते हैं। समारियम को SM से, और ऐसे ही आगे आता है यूरोपियम, यूरोपियम को EU से, उसके बाद गैडोलिनियम को GD से, और उसके बाद टर्बियम, टर्बियम को TB से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा डाइस्प्रोसियम, इसको DY से, उसके बाद होलमियम HO से, आरबियम को ER से, थूलियम को TM से, येटरबियम को YB से, और लुटेशियम को LU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैं हमारे लेंथेनॉइड्स जो शुरू होते हैं LA से, ये लेंथेनम से। लेकिन हम आपको बता दें कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेंथेनम की एंट्री नहीं है, आपको पता होना चाहिए लेंथेनम हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जहाँ तक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की का सवाल है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F120। हम कुछ ढंग से लिख सकते हैं इसको, जस्ट मोमेंट, 4F 1 to 14, उसके बाद आता है 5D 0 to 1, और उसके बाद आता है 6s2। तो कहने का मतलब यह है कि F ब्लॉक में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, F सबसेल में इनकी, D सबसेल में इनकी 0 से 1 तो हो सकते हैं, और S ऑर्बिटल में इनकी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं सबकी, XYZ जितने भी 14 के 14 मेंबर हैं सब में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक एटॉमिक नंबर का सवाल है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ से 58 से शुरू होता है। 58 किसका हो जाता है, सबसे पहला मेंबर इसका कौन है, सीरियम, इसका होता है 58, और एंड होता है लुटेशियम पे, जिसे हम LU से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका होता है 71। ऐसे टोटल मेंबर्स इसके अंदर F ब्लॉक में 14 मेंबर हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम हर एक इंडिविजुअल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहला मेंबर है हमारा लेंथेनम, तो LA का देख लेते हैं। हालांकि हमें पता है कि LA F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, बट फिर भी इसको हम कुछ ढंग से दिखाते हैं, 4F ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। 4F, उसके बाद आता है 5D, 5D के बाद आता है 6S। तो हमने बताया कि यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं F में, और D ऑर्बिटल में 0 से लेकर 1 तक हो सकते हैं, और S में 2 होते हैं हर एक मेंबर के, इंक्लूडिंग लेंथेनम। लेंथेनम हालांकि हम पहले बता चुके हैं कि ये ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब आप बात करिए, तो यहाँ पे LA के पास तो होता ही नहीं है ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि इसका मेंबर ही नहीं है। ठीक है, जहाँ तक D का सवाल है, तो D सबसेल में होता है यहाँ पे 1, और S में होता है 2। हम बात कर रहे थे कि F ब्लॉक का पहला एलिमेंट होता है CE या सीरियम, जिसे हम कहते हैं, और इसके लिए होता है F ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 1 होता है, सॉरी 1 ऐसे लिख सकते हैं। D में भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और S में हमने बताया कि सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सीरियम के बाद नंबर आता है PR का, PR के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 1 के बाद सीधे 3 आता है, 2 नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है सीरियम के पास, उसके पास 0, यहाँ पे 2। PR के बाद किसका नंबर आता है, PR के बाद आता है ND का। अब सब हम सिर्फ शॉर्ट में बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सिर्फ सिंबल की हम बात कर रहे हैं। ND आता है, ND के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F सबसेल में होते हैं 4, लेकिन D में होता है 0। ठीक है, S में होते हैं 2। ND के बाद किसका नंबर आता है, PM का। PM की बात करें तो PM के पास होते हैं F सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन, D में कोई नहीं होता है, और यहाँ पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है SM या समारियम की, तो SM के में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं F सब सेल में, लेकिन D में इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूरोपियम में कुछ चेंज आया है, क्या चेंज आया है,
यूरोपियम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गैडोलिनियम में, गैडोलिनियम में जीडी, जीडी के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं यूरोपियम और गैडोलिनियम दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन गैडोलिनियम के पास एक्सेप्शन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डी ब्लॉक डी ऑर्बिट में भी होता है, ऑर्बिटल में भी होता है, और यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जी डी के बाद आता है टी बी। टी बी के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते ही नहीं है, ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। 7 के पास सीधे नंबर आता है 9, 8 मिसिंग होता है, इससे पहले हमने देखा था 2 मिसिंग था। ठीक है, यहाँ पे टी बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई नहीं होता। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होते हैं। टी बी के बाद नंबर आता है डी वाई का, और डी वाई के पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2 होते हैं। डी वाई के बाद आगे बढ़ते हैं एच ओ या होलमियम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 एफ सबशेल में। उसके बाद डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में सबके पास 2 होते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके बाद बारी आती है ई आर की, ई आर के पास 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, यहाँ 0 होता है, और यहाँ पे 2 होते हैं। अब नंबर आता है टी एम का, और ये 12 के बाद हो जाएगा 13, लेकिन ये रहेगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2। टी एम के बाद हमारा आता है सेकेंड लास्ट या वाई बी या टर्बियम जिसे हम कहते हैं, इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होंगे 0 और यहाँ पे होंगे 2। अब लास्ट एलिमेंट हमारा बचता है लुटेशियम या एलयू जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे भी 14 ही होते हैं, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2। तो ऐसे करके हमारे सबके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है अच्छे से A to Z। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि CSIR में इसमें इस पर अक्सर एक सवाल कम से कम आता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं एक ट्रिक इनको सबको याद रखने के लिए, क्योंकि मेंबर्स 14 के 14 और इंक्लूडिंग लेंथेनम 15 मेंबर हो जाते हैं, 15 के 15 हम कैसे याद रखेंगे? एक बहुत शानदार से ट्रिक है, उसको आपको याद रखना है, और बस फटाफट मज़े मज़े में ही आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं उस ट्रिक पे। देखिए ये नमोनिक्स क्या है, ये ट्रिक क्या है। लेंथेनम से हम शुरू होते हैं, लेंथेनम को एल ए से दिखाते हैं, इससे हम बनाते हैं लानत है, लानत है, यहाँ पे साइलेंट है का कोई मतलब नहीं है, लानत है सेलिना प्रीति एंड, एंड का मतलब और पामेला, तुम पे भी यहाँ साइलेंट है। सैम एस एम से हमने दिखाया, सैम सैम की यूरोपियन, छोड़ो, सैम की यूरोपियन EU गड्डी GD गड्डी में यहाँ पे साइलेंट है। टीबी टीबी से मतलब तबीयत, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, और ER से हमने दिखाया, और आगे बढ़ते हैं, और तुमने TM से हमने दिखाया, तुमने उसे उसे फिर से साइलेंट है। येलो YB से हमने दिखाया, येलो से फिर से साइलेंट, ब्लू येलो से ब्लू कर दिया, यहाँ पे B साइलेंट है, और लू हमारा यहाँ पे लुटेशियम का आ ही गया है, और तुमने उसे येलो से ब्लू कर दिया। तो हम पूरी नेमोनिक्स पढ़ लेते हैं एक बार, लानत है सेलिना प्रीति एंड पामेला तुम पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, और तुमने उसे येलो से ब्लू कर दिया। तो इतना सा सेंटेंस आपको याद रखना है, एक कविता की तरह से है ये, 2 3 सेंटेंसेस में, 2 3 लाइन में, और आपको फट से लेंथेनम सब याद, लेंथेनाइड्स पूरा याद हो जाएगा, लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिक, और इस पर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। ऐसी नई वीडियो में आपको से बहुत अच्छी जानकारी लेकर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।